हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको M1 बैचिंग प्लांट की पूरी जानकारी देने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि जो M1 बैचिंग प्लांट है उसमें कितने टाइप्स की मोटर यूज़ की जाती हैं, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, कैसे काम करता है, और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं M1 बैचिंग प्लांट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो M1 बैचिंग प्लांट है वो बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लांट है, और ये हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला भी प्लांट है। दोस्तों, बात करते हैं मिक्सर की। तो M1 बैचिंग प्लांट में जो मिक्सर होता है वो पेन टाइप मिक्सर फिक्स होता है। जो पेन टाइप मिक्सर होता है उसमें 6 आर्म लगी होती हैं, जिसमें से 4 आर्म में शॉवेल लगे होते हैं और 2 आर्म में 4 स्ट्रिपर लगे होते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, पेन टाइप मिक्सर इस टाइप का ही होता है जो हमारे M1 बैचिंग प्लांट्स में इंस्टॉल किया जाता है। और इसका जो मिक्सर होता है बहुत ही अच्छा कॉन्क्रीट मिक्स करता है, और उसके बाद आपको एक अच्छा प्रोडक्शन भी M1 बैचिंग प्लांट से मिलता है। बात करेंगे इसके मोटर्स की, कौन कौन सी टाइप्स की मोटर्स M1 बैचिंग प्लांट में लगी होती हैं। तो फर्स्ट वन हम बात करेंगे कंप्रेसर मोटर, जो कि हमारे कंप्रेसर में यूज की जाती है। सेकंड, सैंड वाइब्रेटर मोटर। सैंड वाइब्रेटर मोटर का यूज ये है कि जो आपके हॉपर में मटेरियल स्टिक कर जाता है, नहीं निकलता है, उसको सैंड वाइब्रेटर के थ्रू हम वाइब्रेट करके मटेरियल को डिस्चार्ज कर सकते हैं। स्क्रू कन्वेयर मोटर, जो आपके कन्वेयर स्क्रू कन्वेयर होते हैं उसमें जो मोटर्स लगी होती हैं वो 15 HP की M1 बैचिंग प्लांट्स में फिक्स की जाती हैं। फ्लाईएस स्क्रू कन्वेयर मोटर। सीमेंट वाइब्रेटर मोटर। सीमेंट वाइब्रेटर मोटर का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि जो आपकी सीमेंट है वो कहीं पे अगर मॉइस्चर की वजह से फंस रही है तो उस वाइब्रेटर के थ्रू आपका पूरा सीमेंट डिस्चार्ज हो जाता है। मिक्सर मोटर। मिक्सर मोटर जो आपके पैन मिक्सर में लगी होती है आपके शॉवेल और आर्म्स को रोटेट करने के लिए जो मोटर यूज की जाती है, मिक्सर मोटर्स, वो M1 बैचिंग प्लांट में फिक्स की जाती है। स्किप मोटर, जो आपको स्किप अप डाउन करने के लिए यूज की जाती है। एडमिक्चर डोजिंग मोटर एंड एडमिक्चर डिस्चार्ज मोटर, जो आपके प्लांट में केमिकल्स यूज किए जाते हैं एडमिक्चर, जो से कि आपका कंक्रीट जो है वो अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस कर सके, इसके लिए हम एडमिक्चर का यूज करते हैं ताकि साइड पे कंक्रीट जो भी है वो अच्छी क्वालिटी में पहुंचे। वाटर पंप डिस्चार्ज मोटर। तो ये सभी मोटर्स की लिस्ट है, जो कि आप देख सकते हैं इसने टाइप की मोटर्स कितने कितने HP की हैं। आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं कितने HP की कौन सी मोटर्स बैचिंग प्लांट्स में M1 बैचिंग प्लांट्स में लगी होती है, और आप इजिली समझ भी सकते हैं। तो M1 बैचिंग प्लांट में इतने टाइप के मोटर एफेक्ट्स की जाती हैं। बात करते हैं लोड सेल की। तो अगर हम लोड सेल की बात करें तो M1 बैचिंग प्लांट में 4 टाइप के लोड सेल यूज किए जाते हैं। फर्स्ट वन एग्रीगेट लोड सेल, वाटर लोड सेल, सीमेंट लोड सेल एंड कॉन्क्रीट केमिकल लोड सेल या एडमिक्सर लोड सेल। लोड सेल का यूज़ मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं लोड सेल कैसे काम करते हैं, क्या काम करता है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं लोड सेल का यूज़ क्या है और ये कैसे काम करते हैं। थर्ड वन बात करते हैं बैच साइज की। तो दोस्तों, जो M1 प्लांट है इट्स बैच साइज 1 क्यूबिक मीटर पर बैच, वाइल इट्स प्रोडक्शन 60 क्यूबिक मीटर पर आवर। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके बैच साइज की, तो जो M1 प्लांट होता है वो एक बैच में 1 क्यूबिक मीटर इसकी बैच साइज होती है, मतलब एक बार में आपको 1 m³ का प्रोडक्शन M1 बैचिंग प्लांट से निकल सकता है। जबकि अगर हम पर आवर का प्रोडक्शन अगर देखें तो 60 m³ पर आवर के स्पीड से ये प्लांट चलता है। तो ये रही इसके बैच साइज की बात। बात करते हैं साइलो की। M1 बैचिंग प्लांट 3 साइलो अवेल्स फॉर सीमेंट एंड फ्लाई एस स्टॉक, 2 साइलो यूज्ड इन सीमेंट फिलिंग एंड अदर 1 साइलो यूज्ड फॉर फ्लाई एस। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ साइलो की, तो साइलो का यूज हम सीमेंट और फ्लाई एस यूज करने के लिए करते हैं, लेकिन जो M1 बैचिंग प्लांट है उसमें हम 3 साइलो यूज करते हैं, जिसमें से 2 साइलो जो है वो हमारे सीमेंट फिलअप करने के लिए यूज किए जाते हैं और अनदर 1 साइलो जो है वो यूज किया जाता है फ्लाई एस के लिए। इसके अलावा भी हम साइलो लगा सकते हैं, जो भी आपके प्रोडक्शन की डिमांड है, सिलिका, GVBS, इन सब के भी साइलो अलग से आप एग्जिस्ट करवा सकते हैं। बात करते हैं बेल्ट कन्वेयर की। तो M1 बैचिंग प्लांट में एक बेल्ट कन्वेयर भी लगा होता है, जो कि मटेरियल को आपके जो रॉ मटेरियल्स होता है, जो एग्रीगेट होता है, सैंड होता है, 10 mm, 20 mm, डस्ट, ये सब रॉ मटेरियल्स जो होते हैं उनको ये
बॉटम टू टॉप ले जाने का काम करता है। इसके लिए हम बेल्ट कन्वेयर का यूज़ करते हैं, तो इसमें बेल्ट कन्वेयर भी यूज़ किया जाता है। बात करते हैं इसके प्रिकॉशन और सेफ्टी की, एवन बैचिंग प्लांट में किस टाइप की प्रिकॉशंस और किस टाइप की सेफ्टी रखना चाहिए। ऑलवेज डिस्चार्ज बेल्ट कन्वेयर फुली अनलोडेड रॉ मटेरियल्स, डू नॉट फॉरगेट द मटेरियल फुली डिस्चार्ज। दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आपका बेल्ट कन्वेयर लगा हुआ है एवन बैचिंग प्लांट में, उसको आप हमेशा डिस्चार्ज करके रखें, कभी भी उसमें मटेरियल भर करके नहीं रखना चाहिए, इससे आपके बेल्ट की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। मैं बताना चाहूँगा जो आपके M1 बैचिंग प्लांट में बेल्ट कन्वेयर लगे होते हैं उसको हमेशा खाली करके रखें, उसमें मटेरियल भर के कभी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो M1 बैचिंग प्लांट में बेल्ट कन्वेयर लगे होते हैं उसमें कोई भी रॉ मटेरियल्स फिलअप करके छोड़ना नहीं चाहिए, उसको हमेशा फुल फ्री करके रखना चाहिए। Always off the panel switch while you doing welding work. हमेशा M1 batching plant में अगर आप काम कर रहे हैं तो कभी भी welding work करते समय हमेशा panel को off करके रखना चाहिए और welding करवाते समय plant चालू नहीं करना चाहिए। Always off safety switch, emergency switch while mixer maintenance work running. जब आप M1 बैचिंग प्लांट के मिक्सर में काम कर रहे हो तो हमेशा इस बात का ध्यान दें कि इमरजेंसी स्विच और उसकी सेफ्टी स्विच को ऑफ करके रखें, ताकि आपकी मशीनरी किसी भी कंडीशन में स्टार्ट ना हो। तो दोस्तों ये M1 बैचिंग प्लांट की सारी इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।